सागुंटो के एडवेंटिस्ट कॉलेज में एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत एक प्रथा थी। उस प्रथा में वो अक्सर ऐसा किया करते थे कि हर एक स्कूल ईयर के ख़त्म होते ही एक बैप्टिज़म सर्विस वहाँ पर होता था, और उस बैप्टिज़म सर्विस को वह चर्च के अंदर नहीं बल्कि उस कॉलेज के बाहर के एक हिस्से में बहुत ही अनोखे ढंग से उस बैप्टिस्मल टैंक को उन्होंने बनाया था, जो कि पत्थरों के द्वारा सजाया गया था। वहाँ पे बहुत से ऐसे अच्छे खुशबूदार पौधे रखे गए थे, तो वो इतना ही अच्छा और खूबसूरत बैप्टिस्मल टैंक था जिसे देखते हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है। और वहाँ के लोगों को भी यह एक प्रथा बहुत ही अनोखा था और बहुत महत्वपूर्ण था। तो एक बार 1983 के वर्ष में ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जीवन प्रभु के हवाले करने की एक डिसीशन लिया था। तब इस बैप्टिस्मल सर्विस में बहुत सारे लोग थे जो बैप्टिज़म लेना चाहते थे, मगर वहाँ पर एक 11 वर्षीय लड़की क्रिस्टियाना थी, और क्रिस्टियाना बहुत ही खुश थी, बहुत ही समझदार लड़की थी वह, उसे प्रभु बहुत ही प्यारे थे। और क्रिस्टियाना इस हर एक घटना को देखकर बहुत ही खुश और उतावली थी, तो उसने झट से उस पास्टर के पास वो गई और कहा कि पास्टर, क्या तुम मुझे बैप्टिज़म दे सकते हो, मुझे बैप्टिज़म दीजिएगा। ऐसे कहते हुए उसने कहा, तब पास्टर ने उसे बैप्टिज़म दिया। बैप्टिज़म के टैंक से जब वो पूरी तरह से भीग चुकी थी पानी की वजह से, तो जब वो बाहर निकली तो उसने बहुत ही एक अच्छा सा एक स्माइल दिया, एक हंसी और मुस्कान उसके मुंह पर था। उस मुस्कान के साथ साथ ही साथ उसने पास्टर को देखा और बोला कि पास्टर, आपने आज मेरी शादी प्रभु के साथ की है। ऐसे उसने कहकर वह उस टैंक से बाहर निकली। 16 सालों के बाद क्रिस्टियाना अब बहुत ही एक बड़ी वुमन बन चुकी थी, एक बड़ी इंसान बन चुकी थी। उन्होंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया था और वह आज एक शिक्षक के रूप में, एक अच्छी टीचर बनकर वह प्रभु की सेवा में लगी है। और जब वह यह सेवा कर रही थी तब उन्हें एक मित्र मिला जिनका नाम गैरसन था। वह एक एडवेंटिस्ट थे, उनके साथ उनकी मित्रता बढ़ी और जल्द ही देखते ही देखते इन दोनों का विवाह भी निश्चय हुआ। और एक दिन क्रिस्टियाना ने अपने पास्टर, जिनके हाथों से उसने बैप्टिज़म प्राप्त किया था, उस पास्टर को उसने फ़ोन लगाया। बहुत सालों के बाद किसी का फ़ोन ऐसे एक स्त्री की आवाज़ में जब पास्टर ने सुना, तो पास्टर ने कहा कि आप कौन हो। तो क्रिस्टियाना ने बताया, पास्टर, मैं वही क्रिस्टियाना हूँ जिसको आपने बैप्टिज़म दिया था और मेरी शादी भी प्रभु से की थी, मगर आज इस दिन पर मेरा शादी होने वाला है इस इंसान के साथ, तो आप ज़रूर आइएगा। यह सुनकर पास्टर बहुत खुश हुए और पास्टर भी उस शादी में शामिल हुए थे। उस शादी में जाकर उन्होंने यह देखा कि किस तरह क्रिस्टियाना अपनी जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु में वह बिता रही थी। बहुत ही खुशी खुशी उनकी शादी हुई और उनका एक नया जीवन शुरू हुआ। आज क्रिस्टियाना प्रभु के बताए हुए हर एक रास्ते पर वह बहुत खुशी खुशी चलती है, प्रभु के आज्ञा का वह पालन करती है, अपने परिवार को प्रभु के जीवन के साथ मिलाकर वह चलाती है, और वह हर एक वह चीज़ करती है जो प्रभु को अच्छा लगता है। क्या आज हम इस प्रकार के प्रभु के वचनों के या प्रभु के इस सत्य के बारे में, क्या हमने एक पौधा बढ़ाने के लिए अपने बच्चों में यह सीड डाला है? क्या यह सीड बढ़ रहा है? क्या यह प्रभु की आशीष से बढ़ रहा है? क्या हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं? सोचिएगा।
इस सत्य के इस सीड को अपने बच्चों में बचपन से ही आप बढ़ाने की उम्मीद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।